नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दुष्ट गंधर्व। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। गंधर्व लोक के राजा लावण्य के राज्य में सभी गंधर्व बहुत सुख शांति से रहते थे। राजा लावण्य प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन कुछ दिनों से उनके राज्य में एक दुष्ट गंधर्व चित्ररथ ने बहुत उत्पात मचा रखा था। उसे अदृश्य होने की ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त थी कि स्वयं इस शक्ति के स्वामी अन्य गंधर्व भी उसे देख नहीं पाते थे। चित्ररथ के उत्पातों से पीड़ित अनेक गंधर्व प्रतिदिन राजा लावण्य के दरबार में उपस्थित होते थे। महाराज की जय हो, महाराज रक्षा करो, चित्ररथ ने मेरा सारा धन लूट लिया है। महाराज मेरे परिवार की रक्षा करो, चित्ररथ ने मेरी बेटी को उठा ले जाने की धमकी दी है। महाराज चित्ररथ ने मेरे सभी अलंकार छीन लिए हैं। सेनापति पतंजलि, इस दुष्ट चित्ररथ को तुरंत बंदी बनाकर हमारे सम्मुख लाया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी चित्ररथ को पकड़ने के लिए प्रस्थान करता हूँ। और शीघ्र ही सेनापति पतंजलि ने प्रस्थान किया। सेनापति पतंजलि ने दूर दूर तक चित्ररथ की खोज की, लेकिन उसका कुछ पता ना चला। इस जंगल में भी नहीं मिला। लगता है दुष्ट को पता चल गया और वो लोप हो गया है। सैनिकों वापस लौट चलो। जंगल से लौट कर जैसे ही सैनिकों के साथ पतंजलि ने नगर में प्रवेश किया, हाय मैं बर्बाद हो गई, चित्ररथ ने मेरा सब कुछ लूट कर ले गया। हटो हटो, रास्ता छोड़ो, सेनापति जी आए हैं। क्या बात है युवती, तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? महाराज मैं घर में अकेली थी, चित्ररथ घर में विरोध पूर्वक घुसकर मेरा सब धन और अलंकार उठाकर ले गया। धैर्य रखो युवती, तुम्हें राजकोष से धन दिया जाएगा। हम शीघ्र ही उस दुष्ट को बंदी बनाकर कठोर दंड देंगे। और फिर सैनिकों शीघ्रता से चलो, वो दुष्ट अभी अधिक दूर नहीं गया होगा। हम आज ही उसे बंदी बना लेना चाहते हैं। और सेनापति ने सैनिकों के साथ तुरंत प्रस्थान किया। उधर चित्ररथ इस समय एक स्वर्णकार की दुकान में घुसकर लूटमार कर रहा था। बचाओ बचाओ, अरे कोई इस दुष्ट से बचाओ। तभी सेनापति पतंजलि वहां पहुंच गया। चित्ररथ आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते, मैं तुम्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा। मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता, तुम भी अपनी शक्ति आजमा कर देख लो। और तभी सेनापति ने चित्ररथ पर अग्नि वर्षा प्रारंभ कर दी। दुष्ट आज मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। ओह अग्नि वर्षा नहीं, मैं अभी जल वर्षा कर अग्नि को बुझा देता हूँ। और अगले पल ही आकाश से जल वर्षा होने लगी। अग्नि के बुझते ही सेनापति पतंजलि ने चित्ररथ पर बाणों की वर्षा कर दी। चित्ररथ अग्नि से तुम बच गए, लेकिन इन बाणों से तुम नहीं बच सकोगे। ओह शक्ति से इसको पराजित करना कठिन है। अब मुझे अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग करते हुए अदृश्य हो जाना चाहिए। और तभी चित्ररथ ने अपने को अदृश्य कर दिया। ओह चित्ररथ अदृश्य हो गया, अब क्या करूं? और तभी अदृश्य चित्ररथ ने सेनापति पर प्रहार किया। अब कभी चित्ररथ के सामने आने का साहस नहीं करेगा तू। बचाओ, सेनापति को धराशायी कर बहुत से अलंकार लूट कर चित्ररथ वहां से चला गया। अरे वो अदृश्य होकर भाग गया। अरे वो सारे अलंकार भी ले गया। सैनिक घायल सेनापति को उठाकर महल में ले गए। चित्ररथ के उत्पात की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी। प्रायः सैनिक उसे घेर लेते थे, लेकिन वह अपनी अद्भुत शक्तियों की सहायता से अदृश्य होकर भाग निकलता था। मारो मारो, बचकर ना जाने पाए। दिन प्रतिदिन चित्ररथ की निर्भीकता बढ़ती ही जा रही थी। वो किसी भी गंधर्व के घर में लूटमार प्रारंभ कर देता। उधर राज्य के वार्षिक उत्सव का दिन समीप आता जा रहा था। इधर राजा लावण्य की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा ने विचार विमर्श किया तो सेनापति पतंजलि ने अपनी आशंका प्रकट की। महाराज अदृश्य तो सभी गंधर्व हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख लेते हैं, परंतु चित्ररथ को हम नहीं देख पाते।
हम जानते हैं चित्ररथ में अदृश्य होने की विशेष शक्ति है, लेकिन हम उसके भय से उत्सव का आयोजन बंद नहीं कर सकते। महामंत्री, तुम अधिक सैनिकों का प्रबंध करो। मैं आज ही अधिक सैनिकों को सुरक्षा कार्यों पर लगा देता हूँ। सेनापति, इस बार साधारण नागरिकों के रूप में भी सैनिकों को उत्सव में रखा जाए। चित्ररथ को देखते ही उसके अदृश्य होने से पहले ही सैनिक उस पर घातक प्रहार करें। और वार्षिक उत्सव में महामंत्री और सेनापति ने सुरक्षा के विशेष प्रबंध कर दिए थे। संभव है चित्ररथ अब कोई उत्पात नहीं कर पाएगा। अगर उसने उत्सव में आने की कोशिश की तो हम उसका सर्वनाश कर देंगे। उधर एक पेड़ के नीचे खड़ा चित्ररथ उत्सव की उमड़ती भीड़ को देख रहा था। युवतियों ने कितने सुंदर अलंकार पहने हैं। यदि ये सारे अलंकार मुझे मिल जाएं तो मैं बहुत धनी हो जाऊं। और तभी उन युवतियों में चित्ररथ की दृष्टि राजकुमारी प्रियंका पर पड़ी। ओह, राजकुमारी प्रियंका सचमुच अति सुंदर है। मैं इससे ही विवाह करूंगा। इधर ही आ रही है, थोड़ा और पास आने दो, यहाँ एकांत में ठीक रहेगा। अभी प्रियंका चित्ररथ के पास से आगे निकलती कि वो उसके सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो प्रियंका? हम भी तो तुम्हें देखने के लिए यहाँ खड़े हैं। कौन हो तुम? हमारा रास्ता छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हें बदतमीजी की सजा भी दे सकते हैं। चित्ररथ को जो चीज़ अच्छी लगती है उसे जबरदस्ती ले लेता है। तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। चित्ररथ, चित्ररथ के नाम ने प्रियंका को चौंका दिया, लेकिन फिर भी उसका हाथ तेजी से घूम गया। हम तुम्हें स्वयं सजा देंगे। लेकिन बीच में ही चित्ररथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। आह, मेरा हाथ छोड़ो। चित्ररथ एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता है फिर कभी नहीं छोड़ता है। अब तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। चित्ररथ, तुम्हें ऐसी सजा दिलाऊंगी कि तुम सैनिकों इसे बंदी बना लो। आह, आह, बचाओ, कोई राजकुमारी को बचाओ। आह, बचाओ। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अभी चित्ररथ प्रियंका को लेकर रथ में सवार हुआ था कि सैनिकों ने उसे घेर लिया। रुक जाओ चित्ररथ, तुम राजकुमारी को नहीं ले जा सकते। मैं कहता हूँ हट जाओ रथ के आगे से, नहीं तो मक्खी मच्छर की तरह कुचल कर रख दूंगा। चित्ररथ ने रथ को भगा कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने चारों ओर से आक्रमण करके उसे रोक दिया। मारो मारो, आज बचकर ना जाने पाए, मारो मारो। ओह, महामंत्री और सेनापति भी इस ओर दौड़े आ रहे हैं। लगता है राजा ने पहले ही सुरक्षा प्रबंध कर रखे थे। सेनापति पतंजलि ने पास पहुंचते पास सेनापति पतंजलि ने पास पहुंचते ही चित्ररथ पर आक्रमण कर दिया। ओह, मुझे अदृश्य होकर यहाँ से भाग निकलना चाहिए, नहीं तो ये सब मुझे मार देंगे। अवसर पाकर प्रियंका ने अपने को चित्ररथ से छुड़ा लिया। अगले पल ही चित्ररथ ने अपने को अदृश्य कर लिया। कहाँ गया? ओह, चित्ररथ अदृश्य हो गया। उड़ता हुआ चित्ररथ तेजी से वहां से दूर भाग निकला। और उसी रात ही चित्ररथ महल में पहुंचकर राजकुमारी प्रियंका के शयन कक्ष में घुस गया। आहा, कितनी गहरी नींद में सो रही है। सुबह जब आंख खुलेगी तो मेरे घर में होगी। लेकिन जैसे ही आगे झुककर चित्ररथ ने प्रियंका को उठाने की कोशिश की तभी उसकी आंख खुल गई। कौन कौन है? ओह, तुम नीच बदमाश, तुम यहाँ भी आ गए। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और आज अवश्य लेकर जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। तेजी से गद्दा उठाकर प्रियंका ने चित्ररथ पर प्रहार किया। मैं आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन चित्ररथ ने उछलकर प्रियंका को नीचे गिरा दिया। और इससे पहले कि प्रियंका जल्दी से उठकर गद्दा उठाकर उस पर फिर प्रहार करती कि चित्ररथ ने उसे पकड़ लिया। अब मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाएगी? प्रियंका को एक झटके में कंधे पर उठाकर चित्ररथ शयन कक्ष से बाहर निकला। पिताजी, बचाओ बचाओ। प्रियंका की आवाज़ सुनकर राजा लवन ने अपने शयन कक्ष से बाहर निकले। कुछ सैनिक भी चित्ररथ की ओर दौड़े। रुक जा चित्ररथ, आज तेरी मृत्यु तुझे यहाँ ले आई है। तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मारकर राजकुमारी को ले जाऊंगा।
सैनिकों, तुम सब टूट पड़ो इस दुष्ट पर, आज इसे जीवित नहीं जाने दो। लेकिन इससे पहले कि सैनिक चित्ररथ पर आक्रमण करते, वो अदृश्य होकर आकाश में उड़ गया। चित्ररथ अदृश्य हो गया और राजकुमारी को ले गया। नगर से दूर मयंक पर्वत की एक गुफा के पास चित्ररथ नीचे उतरा। यहाँ पर गुफा में इसे बंद कर देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, अब तुम इस गुफा में कैद रहोगी, इस कैद से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकेगा। उधर राजा लावण्य ने प्रियंका की खोज में सैनिकों को भेजा। वो दुष्ट कहीं घने जंगलों में छिप गया होगा, शायद उसने नदी पार राजकुमारी को कहीं छिपा कर रखा होगा। चित्ररथ अवश्य ही पर्वत पर कहीं छिपा बैठा होगा। सैनिकों ने प्रियंका को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। एक दिन, प्रियंका तुम मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमसे विवाह करने की अपेक्षा मैं मर जाना पसंद करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आज ही मार दूंगा दोस्त। एक दिन मेरे पिता तुझे इन अपराधों की सजा अवश्य देंगे। जब तक ये हार मेरे गले में है, मुझे कोई नहीं मार सकता। इस हार में मेरे अदृश्य होने की अद्भुत शक्ति छिपी है दोस्त। मैं तुझसे यह हार छीन कर किसी दिन तुझे मार दूंगी। संयोगवश उसी दिन सैनिकों को चित्ररथ का पता चला था, और उसी दिन राजा लावण्य ने पूरी सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया था। घेर लो, मारो मारो, पकड़ो मारो, आक्रमण। राजा लावण्य ने सैनिकों की सहायता से चित्ररथ को चारों ओर से घेर लिया। सैनिकों के घातक प्रहारों से चित्ररथ भयभीत हो उठा। दुष्ट चित्ररथ, आज तो मेरे प्रहारों से जीवित नहीं रहेगा। अवसर पाकर प्रियंका वहां से भाग निकली। अरे, प्रियंका भाग गई और इतने सारे सैनिक भी आ गए, अब इन सबसे लड़ना मुश्किल है। अगले पल ही अदृश्य होकर चित्ररथ ने राजा लावण्य पर प्रहार किया। राजा को बुरी तरह घायल कर चित्ररथ वहां से भाग निकला। उधर प्रियंका ने कुछ सोचा और फिर तेजी से उड़कर एक ओर चल पड़ी। मेरा गंधर्व लोक में रहना मुश्किल है, चित्ररथ मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा। किसी दूसरे लोक में जाकर रहना ही ठीक रहेगा। और फिर आकाश में उड़ती हुई प्रियंका कुछ दिनों में पृथ्वी पर पहुंच गई। मुझे इसी लोक में वेश परिवर्तित करके कहीं रहना चाहिए, यहाँ चित्ररथ मुझे नहीं ढूंढ सकेगा। ये सोचकर प्रियंका एक खेत में उतरी और वेश परिवर्तित करके गांव की ओर चल दी। इस गांव में चलकर देखती हूँ, शायद ठहरने के लिए कोई अच्छी जगह मिल ही जाए। एक घर के बाहर बैठे हुए बूढ़े आदमी के पास पहुंचकर प्रियंका बोली, बाबा, मैं अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली थी। मार्ग में डाकुओं ने मेरे माता पिता को मार डाला, मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। मैं अनाथ हो गई बाबा, अब मैं कहाँ रहूँ, मैं कहाँ जाऊँ बाबा। ओह बेटी, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूँगा। और इस तरह प्रियंका पृथ्वी पर उस बूढ़े आदमी के साथ रहने लगी। तुम कितनी अच्छी हो प्रियंका बेटी, मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुमने भी तो मुझे मुझे इतना बड़ा सहारा दिया है बापू। उस गांव में रहते हुए प्रियंका को कई महीने बीत गए। एक दिन लवंगपुर के राजा मृत्युंजय ने प्रत्येक नगर और गांव में एक घोषणा कराई। लवंगपुर राज्य के नागरिकों, नगर में नृत्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस नृत्य में जो लड़की सबसे अच्छा नृत्य करेगी, उसके साथ राजकुमार का विवाह किया जाएगा। गांव की लड़कियों ने प्रियंका से कहा, प्रियंका तुम भी चलोगी हमारे साथ, हम सब उस नृत्य उत्सव में भाग लेंगे। ना बाबा ना, मैं नहीं नाच सकती। अरे नाचना वाचना क्या है, बस नाचने का नाटक करना है। राजकुमार तो सुंदरता देखकर लड़की पसंद करेगा, फिर तो वो प्रियंका को ही अपनी दुल्हन बनाएगा। राजकुमार की दुल्हन बनकर हमें भूल तो नहीं जाओगी प्रियंका। प्रियंका, अब इनकार नहीं करना, तुम्हें हमारे साथ अवश्य चलना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं चल सकूंगी, बाबा क्या कहेंगे। ओह बाबा कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें हम मना लेंगे, बस अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। प्रियंका को ना चाहते हुए भी गांव की लड़कियों के साथ उस नृत्य उत्सव में जाना पड़ा।
उधर गंधर्व लोक में चित्ररथ को प्रियंका नहीं मिली तो वह उसकी खोज में दूसरे लोकों में गया। कई लोकों में घूमता हुआ चित्ररथ आखिर एक दिन वेश बदलकर लवंगपुर में पहुंच गया। ना जाने कहाँ जा छिपी है प्रियंका। उन लोगों के साथ चित्ररथ भी नृत्य उत्सव देखने महल के प्रांगण में पहुंच गया। अचानक उसकी दृष्टि नृत्य करती हुई लड़कियों में प्रियंका पर पड़ी तो खुशी से उछल पड़ा। अरे प्रियंका यहाँ है, अब मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगी, अब इसको कौन बचाएगा। गंधर्व होने के कारण प्रियंका सबसे अच्छा नृत्य कर रही थी। प्रियंका ने अपने नृत्य से सबको बहुत आकर्षित किया। राजकुमार श्रुतकीर्ति तो बस मंत्रमुग्ध उसे देखता ही रह गया। साधारण वस्त्रों में ये लड़की इतनी सुंदर लग रही है, अगर सुंदर वस्त्र पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। और अंत में राजकुमार श्रुतकीर्ति ने प्रियंका का ही चुनाव किया। मेरे बेटे ने सुंदर लड़की का चुनाव किया है, राजकुमार के साथ इसकी जोड़ी खूब अच्छी लगेगी, किसी परी से कम नहीं है मेरी दुल्हन। महल में ले जाकर प्रियंका का श्रृंगार किया गया तो उसे नए वस्त्र पहनाए। तभी राजकुमार उसके पास पहुंचा। ये लड़की इतनी सुंदर होगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रियंका मैं तुमसे शीघ्र विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इससे विवाह कैसे कर सकती हूँ, मैं गंधर्व हूँ, मेरे पिता कभी इस विवाह की अनुमति नहीं देंगे। राजकुमार मैं अभी आपसे विवाह नहीं कर सकती, मेरी भी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है प्रियंका, लेकिन तुम विवाह से इनकार नहीं करना। राजकुमार मैं प्रतिदिन नदी में स्नान करके पूजा करती हूँ, अगर आप मेरे लिए चंद्रकेतु पर्वत पर एक महल बनवा कर वहाँ पर एक नदी ला देंगे तो मैं तुरंत आपसे विवाह कर लूँगी। राजकुमार ने सोचा, ओह पर्वत पर तो महल तो बन सकता है, लेकिन नदी कैसे लाई जा सकती है। लेकिन फिर भी उसने कहा, प्रियंका मुझे तुम्हारी ये शर्त स्वीकार है। राजकुमार कक्ष से बाहर जाने लगा तो प्रियंका ने उसे रोका। सुनो राजकुमार, मेरी ये अंगूठी पहन लो, जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगी मैं समझूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यदि तुम्हारी हाथ में अंगूठी नहीं देखूंगी तो विवाह से इनकार कर दूंगी। मैं इस अंगूठी को अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा। और राजकुमार श्रृंगार कक्ष से बाहर चल दिया। प्रियंका उसे देखती रह गई। पर्वत पर महल ही कई महीनों में बनेगा और दूसरी शर्त तो कभी पूरी नहीं होगी। इस बीच मैं अवसर पाकर कहीं चली जाऊंगी। अगले दिन ही राजकुमार ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी, जो कोई भी व्यक्ति चंद्रकेतु पर्वत पर महल बनाकर वहां पर नदी ला देगा उसे राजकुमार बहुत धन देंगे। ये घोषणा चित्ररथ ने भी सुनी। चंद्रकेतु पर्वत पर महल बनाना और नदी लाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इस बहाने मैं महल में पहुंचकर प्रियंका का अपहरण कर सकता हूँ। और मन ही मन प्रियंका के अपहरण की योजना बनाता चित्ररथ महल की ओर चल दिया। महल में राजकुमार श्रुतकीर्ति के पास जाने से पहले चित्ररथ शिल्पी के रूप में परिवर्तित हो गया। और फिर महल में राजकुमार श्रुतकीर्ति के पास पहुंचकर चित्ररथ ने कहा, राजकुमार जी मैं आपकी घोषणा सुनकर पंचाल प्रदेश से आया हूँ, मैं कुछ सप्ताह में पर्वत पर महल बनवाकर नदी ला सकता हूँ। सच, यदि तुम इस काम में सफल हुए तो हम तुम्हें मुहमांगा पुरस्कार देंगे। राजकुमार जी मैं कल से ही महल का निर्माण प्रारंभ कर देना चाहता हूँ। अगले दिन से ही चित्ररथ ने चंद्रकेतु पर्वत पर महल का निर्माण प्रारंभ कर दिया। अपनी अद्भुत शक्तियों की सहायता से कुछ ही दिनों में महल बना दिया गया और नदी ले आया। अब मैं चलकर राजकुमार को सूचित करता हूँ, जब राजकुमार प्रियंका के साथ महल देखने आएगा तो मैं उसका अपहरण कर लूँगा। और फिर महल में पहुँचकर चित्ररथ ने राजकुमार श्वेतकीर्ति को सूचित किया, सच तुमने महल बनाकर उस पर्वत पर नदी भी बहा दी। शिल्पी तुम कोषागार में से चाहे जितना धन ले सकते हो, अब हम शीघ्र ही प्रियंका से विवाह करेंगे। प्रियंका के लिए ही तो मैंने महल और नदी का निर्माण किया है, प्रियंका से मैं विवाह करूंगा, तुम नहीं। शिल्पी तुम यहीं ठहरो, मैं अभी जाकर ये शुभ सूचना प्रियंका को सुनाता हूँ। और राजकुमार तेज कदमों से प्रियंका के कमरे की ओर चल दिया।
और फिर कुछ ही देर में राजकुमार प्रियंका को लेकर चंद्रकेतु पर्वत की ओर चल दिया। उसके साथ बहुत से सैनिक भी चल रहे थे। महल देखते हुए अवसर पाकर मैं प्रियंका का अपहरण करके ले जाऊंगा। महल देखते हुए मैं अवसर मिलते ही कहीं भाग जाऊंगी। अब तो प्रियंका का मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। चित्ररथ ने राजकुमार और प्रियंका को सारा महल दिखाया। आहा, ये शयन कक्ष तो अति सुंदर है। शिल्पी, तुमने सचमुच बहुत अच्छा महल बनाया है। राजकुमार जी, यहाँ से देखिए नदी का किनारा कितना सुंदर दिखाई देता है। अति सुंदर, मेरा मन करता है सारा दिन यहाँ बैठकर मैं नदी को देखता रहूँ। अभी वो दोनों नदी की सुंदरता में खोए हुए थे कि अवसर पाकर प्रियंका दूसरी ओर चली गई। ये अच्छा अवसर है, दोनों अपनी बातों में व्यस्त है, मैं बाहर निकल जाती हूँ। ओह, प्रियंका अकेले कहीं जा रही है। राजकुमार से कोई बहाना बनाकर मुझे प्रियंका के पीछे जाना चाहिए। उधर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर प्रियंका महल के प्रांगण में पहुंची। कहाँ जा रही हो प्रियंका? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? क्या तुम नहीं जानते कि मैं राजकुमार की होने वाली दुल्हन हूँ? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ राजकुमारी प्रियंका, लेकिन तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। और तभी वो अपने असली रूप में परिवर्तित हो गया। मैं चित्ररथ हूँ, तुम्हें साथ ले जाने के लिए पृथ्वी लोक में आया हूँ। ओह, और आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। और इतना कहते ही प्रियंका तेजी से महल के दरवाजे के बाहर खड़े सैनिकों की ओर भाग निकली। ओह, सैनिकों के पास चली गई। कोई बात नहीं, अब ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि प्रियंका को मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और फिर कुछ सोचकर चित्ररथ शिल्पी के रूप में सुरकीर्ति के पास पहुंचा। शिल्पी, तुम कहाँ चले गए थे? बहुत देर हो गई है, अब वापस चलते हैं। राजकुमार जी, मैं आपको एक अति सुंदर कक्ष दिखाना भूल गया। मेरे साथ चलकर वो कक्ष भी देख लीजिए। और फिर बहुत सी सीढ़ियाँ उतरकर चित्ररथ राजकुमार को एक विशाल कक्ष में ले गया। शिल्पी, इस कक्ष में तो कोई विशेषता दिखाई नहीं दे रही है। वो कक्ष तो इस दीवार के भीतर है राजकुमार। देखिए, मैं ये कल दबा कर उस कक्ष का द्वार खोल रहा हूँ। और फिर चित्ररथ ने एक कल घुमाकर विशाल कक्ष का द्वार खोला। और द्वार खुलते ही राजकुमार जल्दी ही उस कक्ष में प्रवेश हुआ। और लेकिन तभी चित्ररथ ने उस कक्ष का द्वार बंद कर दिया। अरे, द्वार खोलो। नहीं, अब ये द्वार कभी नहीं खुलेगा। अब मैं राजकुमार बनकर प्रियंका के पास जाऊंगा और फिर उससे विवाह करके उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। और फिर राजकुमार के रूप में परिवर्तित होकर चित्ररथ प्रियंका के पास पहुंचा। कुछ ही देर बाद वे राजमहल की तरफ लौट गए। और उस रात भोजन के बाद जब प्रियंका अपने शयन कक्ष में जाने लगी तो, सुनो प्रियंका, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब तो तुम्हें विवाह से कोई इनकार नहीं होगा। ओह, अब मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ राजकुमार? अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच, प्रियंका, तुम कितनी अच्छी हो। अगले दिन ही राजकुमार ने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। और फिर शुभ मुहूर्त में विवाह प्रारंभ हुआ। अब कन्या वर के गले में जयमाला डालेगी। लेकिन जब प्रियंका राजकुमार के गले में जयमाला डालने के लिए तैयार हुई, उसकी दृष्टि राजकुमार के हाथ पर पड़ी। ओह, राजकुमार के हाथ में मेरी अंगूठी नहीं है, अब मैं इनकार करके विवाह से बच सकती हूँ। कुछ सोचती प्रियंका खड़ी रही। बेटी, जल्दी से राजकुमार को जयमाला पहना दो। नहीं, मैं जयमाला नहीं डालूंगी, पहले राजकुमार मेरी एक बात का उत्तर दे। कौन सी बात प्रियंका? राजकुमार, मैंने आपको जो अंगूठी दी थी वो कहाँ है? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? मुझे तो तुमने कोई अंगूठी नहीं दी। राजकुमार को मेरी अंगूठी की बात भी याद नहीं, ये कैसे हो सकता है? कहीं राजकुमार के रूप में ये चित्ररथ तो नहीं है? और ये सोचते ही प्रियंका जोर से चीख पड़ी, तुम राजकुमार नहीं हो, चित्ररथ हो। सैनिकों, बंदी बना लो इस बदमाश को, ये राजकुमार का रूप परिवर्तित करके सबको धोखा दे रहा है। और जैसे ही कुछ सैनिक चित्ररथ की ओर बढ़े, वो तलवार लेकर जोर से बोला,
खबरदार, कोई सैनिक आगे नहीं बढ़े, नहीं तो मैं एक एक को मार दूंगा। हाँ, मैं चित्ररथ हूँ, मैं प्रियंका को अपने साथ ले जाऊंगा। अगले पल ही अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित होकर चित्ररथ ने प्रियंका को पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी महाराज, महाराज मुझे इस दुष्ट से बचाओ, बचाओ। तभी राजा मृत्युंजय तलवार निकालकर तेजी से उसकी ओर बढ़ा। प्रियंका को छोड़ दो, नहीं तो यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। सैनिकों, घेर लो इस बदमाश को, नहीं कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सैनिक नहीं रुके और चित्ररथ पर टूट पड़े। मारो मारो, भागने ना पाए। ओह, इन सबको पराजित करना तो बहुत मुश्किल है। मैं आकाश में उड़कर प्रियंका को ले चलता हूँ। और फिर चित्ररथ प्रियंका का हाथ पकड़कर आकाश में उड़ गया। अरे, वो आकाश में उड़कर जा रहा है, बचाओ, अवश्य वो कोई मायावी है। सैनिकों इसका पीछा करो, आखिर कहीं तो ये पृथ्वी पर उतरेगा, बचाओ। और सैनिक पृथ्वी पर दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगे। आकाश में उड़ता हुआ चित्ररथ प्रियंका के साथ चंद्रकेतु पर्वत पर बने महल में पहुंचा। लेकिन कुछ देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। अच्छा, तो सैनिक भी यहाँ आ गए। कोई बात नहीं, मैं अभी अदृश्य होकर इन्हें मारता हूँ। तभी अदृश्य होकर चित्ररथ ने सैनिकों को मारना प्रारंभ कर दिया। आह, मर गया, बचाओ। अदृश्य प्रहारों से घबराकर सैनिक वहाँ से भाग गए। सैनिकों को भगाकर चित्ररथ महल में पहुँचा। प्रियंका, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें बंदी बनाकर रखूंगा। मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी, कभी नहीं। जब प्रियंका किसी रूप में उससे विवाह करने को तैयार नहीं हुई, तो चित्ररथ ने उसे एक कक्ष में कैद कर दिया। अब तुम इस कक्ष में रो रो कर ही अपने प्राण दोगी। चित्ररथ के कैद में रहते हुए प्रियंका को कई महीने बीत गए। उसे भोजन देने एक सेविका राधिका आती थी, उसी से प्रियंका को राजकुमार का पता चला। ओह, चित्ररथ ने राजकुमार को इसी महल में कैद कर रखा है। अगर मैं कैद से छूट जाऊं तो राजकुमार को भी कैद से छुड़ा लूं। और फिर तभी प्रियंका ने एक योजना बनाई। अगले दिन जब राधिका भोजन लेकर आई, तो उसने प्रियंका को मुस्कुराते हुए देखा। क्या बात है प्रियंका, आज तुम बहुत खुश हो रही हो। बड़ी खुशी की बात है। अगर तुम अंदर आकर मेरी बात सुनो, तो मैं तुम्हें ये हीरे का हार दे सकती हूँ। हीरे के हार के लालच में ताला खोलकर राधिका अंदर गई, तो प्रियंका उस पर झपट पड़ी और पलक झपकते ही उसे बेहोश कर दिया। अब जल्दी से सेविका के कपड़े पहनकर मुझे बाहर निकलना चाहिए। जल्दी से सेविका के कपड़े पहन उसे कक्ष में बंद करके प्रियंका बाहर निकली। राजकुमार के संबंध में प्रियंका पहले से ही सब कुछ पता कर चुकी थी। वो सीधे गुप्त कक्ष में राजकुमार के पास पहुंची। राधिका, अगर तुम एक बार मुझे इस कक्ष से निकाल दो, तो मैं तुम्हें अपने पिता से बहुत सा धन दिलवा दूंगा। अरे, राजकुमार मुझे पहचान नहीं सका। राजकुमार, मैं राधिका नहीं, प्रियंका हूँ। मैं तुम्हें इस कैद से मुक्त करने ही आई हूँ, जल्दी बाहर आओ। ये कहते हुए प्रियंका ने गुप्त कक्ष का द्वार खोलकर राजकुमार को बाहर निकाल दिया। राजकुमार, मैं जानती हूँ कि चित्ररथ की अद्भुत शक्तियाँ उसके हार में है। मैं उसके कक्ष में जाकर किसी तरह उसका हार उतार लूंगी, फिर तुम उसे मार देना। और प्रियंका राजकुमार के साथ चित्ररथ के शयन कक्ष के द्वार पर पहुंचा। तुम यहीं ठहरो, मैं भीतर जा रही हूँ। राजकुमार को द्वार पर खड़ा करके प्रियंका ने कक्ष में प्रवेश किया। चित्ररथ को गहरी नींद में सोता देख प्रियंका उसके पास पहुंची। गहरी नींद में सो रहा है, आज मैं हमेशा के लिए इसे सुला दूंगी। लेकिन जैसे ही प्रियंका उसके गले से हाथ उतार कर मुड़ी, चित्ररथ को नींद खुल गई और उसने प्रियंका को पकड़ दिया। ठहरो, मेरा हार चोरी करके ले जा रही थी, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी प्रियंका ने राजकुमार को आवाज़ लगाई, राजकुमार बचाओ। राजकुमार के भीतर आते ही प्रियंका ने हार उसकी ओर उछाल दिया। ये लो राजकुमार। ओह, इसने राजकुमार को हार दे दिया। चित्ररथ ने प्रियंका को छोड़ राजकुमार पर प्रहार किया। और अगले ही क्षण राजकुमार ने वो हार प्रियंका की ओर उछाल दिया। प्रियंका, तुम हार लेकर भाग जाओ। प्रियंका, इस बार जब चित्ररथ हार लेने के लिए प्रियंका के पीछे दौड़ा, तो राजकुमार ने पल भर की देर किए बिना चित्ररथ पर प्रहार कर दिया। प्रियंका
पहले मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूं, फिर इस लड़की को देखूंगा। ये कहकर चित्ररथ ने अपने गद्दे से राजकुमार पर प्रहार किया, खन। लेकिन उस प्रहार से बचकर राजकुमार ने उस पर फिर प्रहार कर दिया। राजकुमार ने तीव्र प्रहार से चित्ररथ का एक हाथ अलग कर दिया। मरा। अभी चित्ररथ को संभाल पाता कि राजकुमार ने उसके सिर पर प्रहार किया, और चित्ररथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। चित्ररथ को मारकर राजकुमार तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। रुक जाओ प्रियंका, मैंने चित्ररथ को मार दिया है। रुक जाओ। क्या सचमुच राजकुमार ने चित्ररथ को मार दिया है? यह सोचते ही प्रियंका तेजी से राजकुमार की ओर दौड़ी। सच, तुमने चित्ररथ को मार दिया? हाँ प्रियंका, मैंने उसे मार दिया है। और फिर दौड़कर प्रियंका ने राजकुमार को अपनी बाहों में भर लिया। राजकुमार, तुमने चित्ररथ को मारकर मुझे उस दुष्ट के हाथों से बचा लिया। प्रियंका, उपकार तो तुमने मुझ पर किया है, तुमने ही मुझे गुप्त कक्ष की कैद से निकाला था। तत्पश्चात दोनों ने राजमहल की तरफ प्रस्थान किया। राजकुमार के साथ प्रियंका को देख राजा मृत्युंजय के आनंद की सीमा नहीं रही। बेटे, तुम सकुशल हो? पिताजी, प्रियंका के कारण ही मैं उस दुष्ट की कैद से मुक्त हो सका हूँ। राजकुमार और प्रियंका के सुरक्षित लौट आने की खुशी में पूरे राज्य में दीपावली मनाई गई। अचानक उस दिन प्रियंका को ढूंढते हुए उसके पिता गंधर्व राजा लावण्य भी लवंगपुर में पहुंच गए। बंधु, इस नगर में कोई त्यौहार मनाया जा रहा है क्या? जी नहीं, राजा के बेटे सुरकीर्ति और उनके पुत्रवधू प्रियंका को एक मायावी उठाकर ले गया था। हम सब उनके सुरक्षित लौट आने की खुशी मना रहे हैं। लो, तुम भी मिठाई खाओ। प्रियंका, कहीं मेरी बेटी तो नहीं है? मुझे चलकर देखना चाहिए। और फिर रथ पर सवार हो वो तेजी से महल की ओर चल दिया। दुष्ट चित्ररथ के कारण पता नहीं प्रियंका की खोज में कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। कुछ ही देर में महल के पास पहुंचकर राजा लवंदे ने प्रियंका को देखा तो खुशी से फूला न समाया। वो रथ से उतरकर तेजी से प्रियंका की ओर दौड़ा। अरे, ये तो प्रियंका ही है। प्रियंका, प्रियंका मेरी बेटी, तू कहाँ चली गई थी? पिताजी, पिताजी। और दौड़कर प्रियंका अपने पिता के बाहों में समा गई। ओह बेटी, पता नहीं मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। निराश होकर लौट रहा था तो सोचा पृथ्वीलोक में कहीं पृथ्वीलोक में भी देखता चलूं। पिताजी, मैं चित्ररथ के भय से यहाँ चली आई थी, लेकिन एक दिन वो यहाँ भी आ गया और मुझे कैद कर लिया। लेकिन राजकुमार ने चित्ररथ को मारकर मुझे मुक्त कर दिया। सच बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उस दुष्ट ने तो मेरी बेटी का जीवन ही तबाह कर रखा था। बेटे, मैं तुम्हारे उपकार का बदला कैसे चुका सकता हूँ? राजन, इसके बदले आप भी हम पर एक उपकार कर सकते हैं। हम प्रियंका को अपने पुत्रवधू बनाना चाहते हैं। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है राजन, लेकिन एक बार मैं प्रियंका से पूछ लेना चाहता हूँ। यदि इसकी इच्छा होगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और जब राजा लावण्य ने प्रियंका से पूछा तो कुछ ना बोली, बस शर्मा कर रह गई। अच्छा तो बेटी, इसे तुम्हारी स्वीकृति ही मान लूं। और फिर राजा लावण्य ने राजकुमार सुरकीर्ति के साथ प्रियंका के विवाह की स्वीकृति दे दी। अगले दिन ही दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से किया गया। प्रियंका के विवाह के बाद राजा लावण्य ने गंधर्व लोक लौट जाने की इच्छा प्रकट की। बेटी, मैं तुम्हें ले जाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन आज तुम्हें स्वयं छोड़कर जा रहा हूँ। अब यही तेरे माता पिता हैं, आजीवन इनकी खूब सेवा करना। पिताजी, कुछ दूर जमीन पर चलकर राजा लावण्य का रथ आकाश में उड़ने लगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट पर लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और हाँ, मेरा जो है $100 का जो वो कंप्लीट करने का वो टारगेट था, वो कंप्लीट शायद से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो तो सपोर्ट ज़रूर करो। सुपर थैंक्स, या हमारे चैनल की सदस्यता ज्वाइन करके ले सकते हैं। सुपर थैंक्स आपको लिखना नहीं है, सुपर थैंक्स फीचर के जरिए आपको जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना पैसा के जरिए आप सुपर थैंक्स से मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।